वालेकुम, मैं हूं फौजिया चार नवाब। और जैसे आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और इस जोश खरोश को और इस आज़ादी को नाम दिया गया है ग्रीन पाकिस्तान। और हर बच्चे के हाथ में झंडे के साथ एक पौधा भी। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद के घर, और अहमद ने बहुत अच्छा 14 अगस्त के लिए जो है वो ग्रीन किया है अपने घर को। और आइए सबसे पहले अहमद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप सब लोगों को 14 अगस्त मुबारक हो। आप लोगों को मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बाजना बजाएं और इनकी जगह आप बहुत सारे पौधे खरीदें, ताकि हम पौधे लगाएं तो वो बड़े होकर दरख्त बने और हमें ऑक्सीजन प्रदान कर सकें, ताकि जो हमारे ग्रीन हाउस अफेक्ट हो रहा है उसको हम बेहतर बना सकें, और ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है उसको हम रोक सकें। जी अहमद, ये बताइए किसने हेल्प की इतने अच्छे, आपने सजावट की है, तोते भी लगे हुए हैं, तोते भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और पौधे लगे हुए हैं, किसने इतनी प्यारी हेल्प की आपकी? मैंने, मम्मा और बाबा ने, हम सबने मिलकर। जी देखें, ये अटे बेटा ज़रा दिखाएं, अहमद ने ये पौधे लगाए हैं और अहमद ने रोज़ इनकी केयर की है। और ये है ग्रीन पाकिस्तान और ये है 14 अगस्त। हमारे साथ इशाल भी मौजूद हैं, और इशाल भी अहमद के घर आई हुई हैं, और इशाल से बात करेंगे। जी इशाल, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशाल गाजी। ईद आप लोगों को 14 अगस्त मुबारक हो, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इतने सारी ग्रीन, पूरी ग्रीन से सजाई गई इन्होंने, और बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं हमारी 14 अगस्त की। और मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही लगाएं प्लांट्स वगैरह, और अपने पूरे नेचर को प्लांट्स से भर दें, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में गर्मी भी बहुत हो रही है और प्लांट्स की वजह से रुक सकती है। इस 14 अगस्त को हम लोग यही नेकी करते हैं कि हम एक दो प्लांट्स ही लगा देते हैं। Sorry.